बड़ी क्षति है हमारे लिए, पूरे मेरे लिए तो पारिवारिक क्षति है मगर पूरे देश के लिए ही एक क्षति है। एक आदमी जिसने कि इतने 75 सालों तक काव्यमंच पे अपनी धूम मचा रखी थी, जिसने काव्यमंच की राजा जिसको बोला जाता था, वो आज नहीं है और जब गए हैं वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी दुख मुझे जो है वो इसी बात का है, जैसा कि वाणी को सुनने के लिए लोग तरसते थे वो आज खामोश हो गई। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य वाली बात है तो दो दिन पहले उनको हमने आगरा के लोटस अस्पताल में सांस लेने में उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी उसमें भर्ती कराया था और वहाँ पर उनकी हालत में काफ़ी सुधार भी हो गया था। जब हालत में सुधार हो गया तो लोटस के डॉक्टरों के परामर्श के आधार पर कि इनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एम्स ले जाओ, इससे पता लग जाएगा कि और क्या तकलीफें हैं, वहाँ बेहतरीन इलाज और हो जाएगा। तो मैं उनको लेकर कल यहाँ पर एम्स में आया था और रात को 9:30 बजे करीब हमने उनको यहाँ एडमिट कराया है और यहाँ एडमिट करने के बाद उनकी हालत में थोड़ा ख़राबी आना शुरू हुई, वो उसके बाद फिर जो है ठीक नहीं हो पाए। यद्यपि एम्स के सभी डॉक्टरों ने बहुत जी तोड़ के जो मेहनत कर सकते थे वो उन्होंने करी, पर कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। शायद मेरे पिता का सफ़र आज यहीं तक का था। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है। पापा की बस एक चीज़ याद आ रही है, हमने सपनों में भी नहीं सोचा था, उम्र तो थी पर यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। उनकी एक ही बात याद आ रही है, वो ये कहा करते हैं, हर पल को जानो आखिरी पल, आखिरी पल कौन सा है, कौन सका है जान। आज ये बात सच हो गई। कल तक हमने सोचा भी नहीं था कि पापा चले जाएंगे। 3 दिन पहले अच्छे खासे पापा थे और उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, हमें नहीं लगता था कि हमें छोड़कर वो अभी 2-3 साल पहले चले जाएंगे। बस उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारा भरा पूरा परिवार उनके आशीर्वाद से चलता है।